हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब जिस रूप में भी दिखाई दे वही रूप सुंदर और महान है। आपका यह वामन रूप भी अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद महाराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने, एक भिक्षुक बनकर। आपकी वाणी सुनकर हम समस्त देवता मूक रह गए। हमें आश्चर्य हो रहा है हे सर्वेश्वर। क्यों आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज? भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं हे जगदीश्वर। भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से अलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है जो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है। और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत है नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है। कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही भिक्षुक कैसे हो सकता है? देवराज, कोई कैसे जन्म से ही भिक्षुक हो सकता है? देवराज, प्राणी तो जन्म लेते ही सर्वप्रथम अपनी माता से दूध की भिक्षा मांगता है ना? फिर जैसे ही आयु बढ़ती है अपने पिता से सुरक्षा की भिक्षा मांगता है, एक शिष्य के रूप में अपने गुरु से ज्ञान और विद्या की भिक्षा मांगता है, नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों से उनके अनुभव की भिक्षा मांगती हूँ, पौधे जड़ की सुरक्षा के लिए जल से, तने की सुरक्षा के लिए वायु से, और फल फूलों की वृद्धि के लिए प्रकाश से भिक्षा मांगते हैं। क्या ये सत्य नहीं है देवराज? धन्य है वासुदेव, धन्य है आप। कितनी ज्ञानवर्धक और मनमोहक बातें हैं आपकी। आपने तो भिक्षा के अर्थ ही बदल दिए। देवराज, पुष्प के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं किया जा सकता कि उसमें सुगंध है या दुर्गंध। तालाब के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता कि उसका जल पीने योग्य है या नहीं। और उसी प्रकार किसी भी वस्तु को ध्यान से देखे बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता देवराज कि उस वस्तु में गुण है या अवगुण। देवराज, हर वो भिक्षा महान है जो ज्ञान में वृद्धि करती है। और अभी तो आपने स्वयं मुझे भिक्षा मांगते देखा। आपने हमारे नेत्र खोल दिए त्रिलोकीनाथ। भिक्षा सदैव शीश नवाकर मांगी जाती है देवराज। सिर का झुकना मन और मस्तिष्क में भरे हुए अहंकार की मृत्यु की घोषणा है। अहंकार जो प्राणी का सबसे महान वैरी है देवराज। और यदि इस वामन रूप में मैं भिक्षा मांगूंगा तो एक आदर्श प्रस्थापित होगा। मानव यह समझ पाएगा कि भिक्षा का सही अर्थ क्या है। क्योंकि यदि मैं भिक्षा मांगूंगा तो केवल मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जो कि मेरा लक्ष्य है। देवी,
देवी। स्वामी आप कहाँ खो गई थी आप, जो आपको मेरे आने तक का आभास नहीं हुआ? इतनी महान घटना हुई है, आप संभवतः सृष्टि की सौभाग्यवती नारी हैं कि भगवान श्री विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेने के लिए आपको माता के रूप में चुना है, परंतु आपके मुख पर यह चिंता की छाया अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं हैं? ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी प्रसन्न हूं कि मेरे पांव धरती पर नहीं पड़ रहे। जिसे भगवान श्री विष्णु की मां बनने का सम्मान मिला हो वो प्रसन्न क्यों ना होगी, किंतु किंतु क्या देवी? उनका ये वामन अवतार मेरे लिए चिंता और भय का कारण बना हुआ है। इतना छोटा आकार लेकर वो इतनी शक्तिशाली बलि का सामना कैसे करेंगे? कहीं उन्हें कोई हानि न पहुंचे। मुझे तो हर पल यही चिंता दुखी कर रही है, यही भय खाए जा रहा है। देवी, वे ईश्वर हैं, वे जो करते हैं उसके पीछे क्या कारण है ये तो वही जानते हैं। यदि वे चाहते तो वो एक विशालकाय रूप भी धारण कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वामन रूप का चयन किया। इसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा, कोई भेद अवश्य होगा। आप चिंता ना करें, सब कुछ भगवान विष्णु पर ही छोड़ दें। पुत्र, पुत्र बलि, पुत्र बलि। अरे ये गुरुदेव को अचानक क्या हो गया? मैंने अपने जीवन में उन्हें कभी इतना व्यग्र और भयभीत नहीं देखा। लगता है गुरुदेव ने ध्यान में कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उन्हें व्यग्र और भयभीत कर दिया है। पुत्र बलि, पुत्र बलि। गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव, क्या बात है, आप इतने चिंतित और व्याकुल क्यों उठे? मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना वत्स, मेरे पास प्रश्नोत्तर का तनिक भी समय नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र, देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र? परंतु कैसा षड्यंत्र? मैंने कहा ना, मेरे पास प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। केवल इतना जान लो कि मैं उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, परंतु मुझे कहां चलना होगा, क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ चलकर अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करनी होगी। मुझे विश्वास है लोक में किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारे अश्व को रोक सके, और यदि अश्वमेध यज्ञ की समस्त क्रिया संपूर्ण हो गई तो देवताओं का षड्यंत्र विफल हो जाएगा। गुरुदेव, मैं आपसे अनुरोध नहीं करता, परंतु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे देवताओं के षड्यंत्र का कुछ ज्ञान तो दें। सुनो वत्स, तुम्हें स्मरण होगा कि देव माता अदिति तुम्हारी दान दक्षिणा की ख्याति सुनकर तुम्हारे पास आई थी। हाँ गुरुदेव, मुझे भली भांति स्मरण है। और वो अपने पुत्रों के लिए क्षमा दान मांगने आई थी। मुझे इस बात का भी अनुमान है। पर तुमने पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था कि तुम देवताओं को क्षमा दान देने के अतिरिक्त किसी को भी और कुछ भी दे सकते हो। देव माता को निराश होकर तुम्हारे द्वार से लौटना पड़ा। तो फिर गुरुदेव? फिर वो विष्णु के पास गई और उन्हें उनका एक पुराना वचन स्मरण कराया, और उसी के फलस्वरूप विष्णु ने धरती पर अवतार ले लिया। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है गुरुदेव। उतनी प्रसन्नता की बात भी नहीं है
जितनी तुम समझ रहे हो। ये एक ऐसी बात है, इसका अनुमान केवल मुझे है। अब कोई भी प्रश्न मत पूछना, सेना को सारे विश्व में भ्रमण का आदेश दो, यज्ञ का अश्व छोड़ो, लोक को जीत लो, कोई तुम्हारे समक्ष ठहर नहीं सकता। मैं सफलता के इतने उच्च शिखर पर पहुंचकर फिसलना और गिरना नहीं चाहता वत्स। अब एक क्षण भी नष्ट करना महापाप होगा, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का भी और इसी समय पालन किया जाएगा। यज्ञ का अश्व अभी छोड़ा जाएगा। जाने की अनुमति दीजिए माता श्री। जाने की अनुमति? कहाँ जाने की पुत्र? मुझे अपने जन्म का कारण सिद्ध करना है। कैसे अनुमति दूं मेरे प्रिय पुत्र? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के निहारा भी नहीं है। तुम्हें अपने स्नेह सागर से एक बूंद भी नहीं दे सकी हूँ। माता, मैं तो आपका पुत्र बन के जन्मा हूँ, आपके स्नेह पर मेरा अधिकार सदैव रहेगा। परंतु सर्वप्रथम मुझे मानव कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे बलि के पास जाना है माता। बलि के पास? परंतु पुत्र, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत विशाल काय है, और तुम? और मैं देखने में दुर्बल और आकार में छोटा हूँ, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ पुत्र। माता, साहस का आकार शरीर के आकार पर निर्भर नहीं होता और भीतरी स्वरूप बाहरी रूप पर निर्भर नहीं होता। और फिर इस बार तो मैं अहिंसा का संदेश लेकर आया हूं ना। आपका पुत्र बनकर जन्म लेने से पहले ही मैंने ये कह दिया था माता कि मेरा लक्ष्य बलि से युद्ध करना नहीं है, उसका वध करना नहीं है, मुझे तो केवल उसके अहंकार का नाश करना है। मुझे बलि को ये जताना है माता कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, परंतु मानव पर अत्याचार और मानव हत्या कदापि सहन नहीं कर सकता। मुझे उसे ये बताना है कि विश्व विजेता होकर भी कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो जाता। उसे ये समझाना है माता कि दानी होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई महानतम हो गया, ईश्वर से भी बड़ा हो गया, क्योंकि ईश्वर जो दान दक्षिणा की सामग्री देता है, भंडार देता है, वही सबसे महान होता है। हे माता, उसे मुझे ये भी समझाना है कि ईश्वर धनवानों का चुनाव केवल इसलिए करता है कि वो धन निर्धनों तक पहुंच जाए। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरा बलि के पास जाना अनिवार्य है माता, मुझे अनुमति दीजिए। मैं माँ हूं, धरती माँ। बलि की सेना अश्व लेकर सारे विश्व में गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सच कहा था, कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सका, किसी को उसका अश्व रोकने का साहस नहीं हुआ। उसकी सेना उसका अश्व लेकर विजय पताका फहराती हुई लौट आई और आरंभ हुआ यज्ञ का समापन।
के समापन के लिए अंतिम संहिता डालो वत्स। ओम भवतु भिक्षाम देही। कहां जा रहे हो वत्स? यज्ञ समापन के अंतिम क्षण है ये, पूर्ण आहुति डालो। ओम भवतु भिक्षाम देही। बैठ जाओ वत्स, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भिक्षाम देही राजन। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। वत्स, रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। प्रणाम ब्राह्मणदेव। कहिए क्या चाहिए आपको? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकता है? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणदेव, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? ब्राह्मण देव, क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? मैंने तो यह सुना था कि दानी बलि मैं ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और मैं ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है। ब्राह्मण देव, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण इसलिए नहीं पूछा था कि मैं प्रयास करना चाहता हूँ। तो फिर क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा था ब्राह्मण देव, यदि कोई ऐसा व्यक्ति 3 पग भूमि मांगे जिसका आकार साधारण व्यक्ति की तरह हो तो भी उसका कुछ भला ना होगा, और आप जैसे आकार वाले व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान घेरेंगे, उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। आप में क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण देव। मुझे तो यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि आप महासागर से केवल 1 बूंद पानी मांग रहे हैं, पर्वत से केवल 1 कण चाहते हैं, आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। और मैं क्षुब्ध हो रहा हूं कि इतना छोटा, इतना साधारण, इतना तुच्छ दान लेते हुए आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, किंतु ब्राह्मण देव, देते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मांगिए ब्राह्मण देव, कुछ ऐसा मांगिए कि जिसे देते हुए मुझे प्रसन्नता हो, गर्व हो। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इसे कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना। गुरुदेव, किंतु क्यों? इधर आओ, ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? ये छलिया है, ये स्वयं विष्णु है। श्री विष्णु भगवान? हाँ विष्णु, जिसे तुम सब बड़े आदर से श्री विष्णु भगवान कहते हो, परंतु मैं जानता हूं ये कौन है, क्या है। देखो ना,
आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है। नहीं गुरुदेव नहीं, आप तो भलीभांति जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ा उपासक हूं। मैंने तो उनसे भी कहा था कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं, जो मेरे दादाश्री प्रहलाद के पूज्य हैं। गुरुदेव मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं तो प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा हूं। मूर्ख मत बनो, तुम विष्णु को नहीं जानते हो। यह तुम्हें दर्शन देने नहीं, दंड देने आया है। गुरुदेव भगवान यहां किस लिए आए हैं मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। वे यहां आए हैं मेरे लिए बस यही महत्वपूर्ण है। मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल था वे मेरे सामने हैं। क्या इससे बड़ा सौभाग्य संभव है? और वे भी भिक्षुक बनकर? ये सब एक ढोंग है, एक छलावा है, तुम इसके छल में मत आना। महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है राजन। नहीं भगवान नहीं। तो फिर मेरी तीन पग भूमि? मैंने दे दी भगवान, मैंने दे दी। यो नहीं महाराज, संकल्प लेना होगा। अवश्य। फंस गया है। एक क्षण मेरा छाता। संकल्प ले लिया। मेरे अहोभाग्य के संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल तीन पग भूमि की याचना कर रहा है। ब्राह्मण देव नाप लीजिए तीन पग भूमि, मेरा दान स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। तो लो वत्स, मैं तीन पग नापता हूं।
का अवतरण है। नहीं नहीं, अभी इसका समय नहीं हुआ है। आदि प्रजापति, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करने की कृपा कीजिए। मुझे धरती पर जाना है। धरती मुझे पुकार रही है। धरती को मेरी आवश्यकता है। मैं जानता हूं देवी गंगा, पृथ्वी पर आपका अवतरण नितांत आवश्यक है, किंतु अभी आपके पृथ्वी पर अवतरण का समय नहीं आया है। अभी आपको यही मेरे कमंडल में रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। जो आज्ञा। हे बलि, मैंने पहला पग उठाकर समस्त धरती और पाताल को नाप लिया है। अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूं। पग उठाकर मैंने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया है बलि। मैं जानता हूं ब्रह्मदेव। तब तो ये भी स्मरण होगा कि मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। प्रभु, मुझे इस बात का भी भली भांति स्मरण है। और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं है। ये भी जानता हूं प्रभु। हे बलि, क्योंकि तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग क्षमा कर सकता हूं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। जिन हाथों ने आज तक बलि से दान स्वीकार किया है वे हाथ साक्षी हैं। जिन आंखों ने आज तक बलि को दान देते हुए देखा है वे आंखें साक्षी हैं। जिन कानों ने आज तक बलि की दानी प्रवृत्ति की ख्याति सुनी है वे कान साक्षी हैं कि बलि कभी अपने संकल्प से नहीं फिरता है। बलि ने सदा अपने हाथ खोलकर और नेत्र बंद कर दान दिया है। प्रभु, बलि ने आपको 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया है। प्रभु, तो आपको अपना तीसरा पग उठाना ही पड़ेगा। उठा तो लो बलि, परंतु प्रश्न ये है कि उसे रखूंगा कहां? कोई स्थान शेष ही नहीं रहा। मैं जानता हूं प्रभु, मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपके दोनों पगों ने यह सारी सृष्टि, मेरा सारा राजपाट और जो क्षेत्र मैंने जीते थे वे भी नाप लिए हैं। अब केवल एक ही स्थान बचा है जिस पर मेरा अधिकार है, जो मेरा है। मैं तुम्हारा वाक्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं बलि। वो कौन सी वस्तु है जिस पर अब भी तुम्हारा अधिकार है? प्रभु, वो वस्तु है मेरा शरीर। बस अब मेरी काया ही बची है जिसे मैं अपनी कह सकता हूं।
जिस पर अब भी मेरा अधिकार है। प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धरिए, ताकि संसार ये जान ले कि बलि केवल देना नहीं वचन निभाना भी जानता है। प्रभु कृपा करके उठाइए अपना पवित्र पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। प्रभु ये मेरा आग्रह भी है, मेरा हट भी है और मेरी विनती भी है। हे बलि, यदि तुम्हारी यही इच्छा है और यदि तुम ये समझते हो कि इसी में तुम्हारा उद्धार है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। धन्य हो गया प्रभु, मैंने अपना वचन निभा दिया। हाँ बलि, तुमने अपना वचन निभाया तो सही, पर जानते हो कि यह सब मैंने क्यों किया? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि संभवतः इसी में मेरा उद्धार निहित है। बलि, तुमने अपने जीवन का प्रारंभ बड़े शुभ और उत्तम ढंग से किया था, परंतु जब तुम जीवन के दोराहे पर पहुंचे, तब तुम उस मार्ग पर चल पड़े बलि, जिस पर असत्य का डेरा था, अहंकार का अंधेरा था। यह वो मार्ग नहीं था बलि, जो मेरे भक्त प्रह्लाद ने चुना था। यह तो हिरण्यकश्यपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। जगदीश्वर का लक्ष्य है मानव का कल्याण, आए वामन रूप में धरती पर भगवान, दो पग में पथ पे चल सुजान।